मैं डॉक्टर नंदनी मित्तल अब आपको सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी जो 12 वीक्स टू 28 वीक्स तक होता है उसके बारे में बताऊंगी कि उस समय आपने क्या प्रिकॉशंस करनी चाहिए। 3 मंथ्स में आपका न्यूरल ट्यूब स्कैन हो रहा होगा, उसके बाद में तभी ड्यूअल मार्क करा लेना चाहिए। यदि वो स्किप हो गया तो आफ्टर 14 वीक्स आप ट्रिपल मार्कर करवा सकते हो। फिर आयरन कैल्शियम शुरू करना चाहिए, फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस लेना चाहिए। यदि आप कोई वर्किंग हो तो इस समय आप अच्छे से काम कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट 3 मंथ्स की प्रॉब्लम्स आपकी ठीक हो गई हैं, वॉमिटिंग और ये सब कम हो जाता है। तो आप अपना डाइट, मतलब प्रॉपर डाइट लेना शुरू करें अब सेकंड ट्राइमेस्टर से, जिसमें आपने रिच प्रोटीन रिच डाइट लेना है, 1 ग्लास दूध सुबह शाम लेना है। यदि आप नॉन वेजिटेरियन ईटर हो तो प्रोटीन आपका काफ़ी उसमें से फिश और बाकी नॉनवेज अंडे में से हो जाता है, लेकिन यदि आप वेजिटेरियन हो तो 1 कटोरी दाल ज़रूर आपकी डाइट में हो। स्प्राउट्स लें, ग्रीन वेजिटेबल्स लें, प्लेंटी ऑफ फ्लूड लेना चाहिए। अब जैसे समर्स भी अप्रोच कर रहे हैं तो जो नॉर्मली आप लेते हो उससे ज़्यादा पानी पीना चाहिए, नारियल पानी पी सकते हैं। फ्रूट आप 1-2 खाएं, लेकिन फ्रूट खाएं, प्रिजर्व फ्रूट जूसेस होते हैं वो बिल्कुल ना लें। फ्रेश भी फ्रूट जूस लेने से आप फ्रूट खाएं। फिर दूध ज़रूर से पिए, मिल्क प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, 2 रोटी सुबह शाम ज़रूर हो, दोपहर को 2 घंटे रेस्ट करें। इस समय आप काम कर सकते हो, एक्सरसाइज भी कर सकते हो, अपनी वॉक करें, फिर कुछ योगा एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस आप कर सकते हैं। ये आपका सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में। लेवल 2 स्कैन आपने करना है जो 20 वीक्स में होता है, उसमें कोई डिफेक्ट्स आए तो आप उसी समय, कंजेनाइटल डिफेक्ट्स होते तो 24 वीक्स तक आप टर्मिनेशन कर सकते हो, इसलिए आप ये इसको स्किप नहीं करें, ध्यान से करा लें इसको। आयरन कैल्शियम रेगुलर लें, यही सब प्रिकॉशंस हैं।